हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू कुक विद विनीता। आज हम बनाने जा रहे हैं मंचूरियन विद फ्राइड राइस। हमने यहाँ पे मंचूरियन बॉल्स के लिए हमने यहाँ पे वेजेस को फाइन चॉप कर रखा है। ये हमने पत्ता गोभी ले रखा है, गाजर और फूल गोभी। तो एक बाउल में हम ये सारे वेजेस डाल देंगे। हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे। काली मिर्च पाउडर 1.5 मैदा ले रहे हम, 1.5 टेबलस्पून, सॉरी टीस्पून। और ये हम ले रहे हैं 2 टीस्पून कॉर्न स्टार्च। हमारे बॉल्स यहाँ बन के रेडी हैं, अब हम इन्हें फ्राई कर देते हैं। तो हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सारे बॉल्स डाल देंगे। ये हमारे फ्राई हो रहे हैं, हमें इसे लाइट ब्राउन तक फ्राई करना है, लाइट ब्राउन होने तक। तो हमारे बॉल्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अब हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं। अब हम इसमें जिंजर डाल रहे हैं, गार्लिक, और लहसुन को ब्राउन होने देंगे। अब इसमें ऑनियन डालेंगे, प्याज का थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे, और इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे। अब हम शिमला मिर्ची डाल रहे हैं। हमें इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है। हम इसमें थोड़ा सॉल्ट डाल देंगे, क्योंकि हमने बॉल्स में डाल रखा है, इसलिए कम डालेंगे। और काली मिर्च पाउडर सॉस डाल दें, 1 स्पून, 1 स्पून रेड चिली सॉस, 1 स्पून केचप, 1 स्पून सोया सॉस, 1 स्पून विनेगर। टीस्पून हमने कॉर्न फ्लावर ले रखा है, पानी में डाइल्यूट कर रखा है। अब हम वो डाल रहे हैं, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं। इसमें थोड़े से बबल्स आ चुके हैं, अब हम इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे। तो हमारा ग्रेवी बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम इसमें सारे बॉल्स डाल देते हैं। बॉल्स डालते ही हमें इसे प्लेटिंग करना है। तो हमारे मंचूरियन बिल्कुल रेडी हो चुका है। राइस बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1 बॉल बासमती राइस लिया है। चावल को बॉईल करने के लिए नमक, थोड़ा सा ऑयल,
बॉईल आ चुका है, अब हम इसे कुक होने के लिए छोड़ देते हैं। फ्राइड राइस के लिए ऑयल ले रहे हैं, तो अब हम इस पर ग्रीन चिली डाल रहे हैं। शिमला मिर्च, रेड वाला शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद हो आप वो इसमें डाल सकते हैं, और हम इसे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। अब हम इसे नमक डाल रहे हैं, थोड़ा डालेंगे क्योंकि हमने चावल में पहले ही नमक डाला था, और काली मिर्च पाउडर। अच्छे से चलाएंगे, अब हम इसमें राइस डाल देंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन डाल रहे हैं, तो हमारे फ्राइड राइस बनके रेडी हो चुके हैं। ये